Hey guys, welcome back to the channel. I'm Dr. Abhishek, back with another video, and you are most welcome at Sai Dental Vlogs. If you are viewing this channel for the first time, I make videos on dentistry and dental related topics. So आज का video बहुत ही ज्यादा important है I think, और वो common problem हम लोग सब face करते हैं. आप चाहे dentist हैं तो ये problem तो एक ना एक बार आपको life में हुई होगी, और अगर आप root canal करते हैं तो जो file breakage की problem है जो सबसे बड़ी problem, जिसको हम एक तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, और वो आज तरीका मैं आपको बताऊंगा हाउ टू प्रिवेंट फाइल ब्रेकेज. तो बेसिकली ये मैक्सिमम जो हमारे वेरियस कंपनीज है फाइल्स की, तो आजकल सबसे ज्यादा यूज डेंटस्प्लाई होता है, और बहुत सारे सिस्टम है, वेव वन सिस्टम है, एचएस सिस्टम है, देन न्यू एंडो है. तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल सिस्टम्स हम लोग यूज करते हैं. किसी का वेरिएबल टेपर होता है, किसी का कांस्टेंट टेपर होता है, कोई एक्टिव इंस्ट्रूमेंट होता है, कोई पैसिव इंस्ट्रूमेंट होता है. तो ये सब जो इंस्ट्रूमेंटेशन है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, और हम लास्ट में वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको वो टेक्निक पता चले जिससे फाइल ब्रेकेज नहीं होती है और उसको थोड़ा प्रिवेंट आप कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो गाइज, ये जितने भी सारे फाइल्स होती हैं, तो आई हैव वेरियस काइंड ऑफ सिस्टम्स विद मी. आई हैव के फाइल्स, आई हैव डेंसप्लाई का प्रो टेपर, आई हैव एचएस सिस्टम फाइल्स फ्रॉम मुंबई, दिस एन इंडियन कंपनी, एंड आई हैव न्यू एंडो एंड हीरो शेपर्स. सो ये जितने भी सारे आपके फाइल्स हैं, ये सारे नाइटा इंस्ट्रूमेंट्स हैं. अच्छा, अब जब प्रो टेपर आप यूज कर रहे हैं तो दीज आर बेसिकली नाइटा इंस्ट्रूमेंट्स, एंड ये फ्लेक्सीबल होते हैं, राइट? ये तो आपको पता ही होगा. तो अगर आप प्रोटेपर होते हैं तो सबसे पहला चीज जो आपको प्रोटेपर यूज कर रहे हैं कि ये कर्व्ड कैनाल्स में आपको थोड़ा केयरफुल रहना है. तो कर्व्ड कैनाल्स में आपको पहले प्रोटेपर यूज करने के लिए रूल ऑफ थंब है कि यू हैव टू क्रिएट अ स्ट्रेट लाइन एक्सेस. ओके, स्ट्रेट लाइन एक्सेस मतलब क्या हुआ? अगर आपका रूट सीधा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रोटेपर यूज करने में, लेकिन अगर आपका रूट कर्व्ड है भैया, अगर रूट कर्व्ड है ना, तो उसको उस जो पाथवे को आपको स्ट्रेट करना है बाय यूजिंग सिंपल के फाइल्स 10, 8, 10, 15, 20. अब तो ये आपको हर कोई आपको पता ही है, आपको हर कोई बोलता है, लेकिन कभी कभी आपको लगता है ये स्किप करने से भी चलेगा, तो ऐसा जरूरत नहीं है. क्योंकि ये प्रोटेपर है कर्व्ड कैनल पे, जहां पे कर्वेचर है वहीं पे अगर आप इसको यूज करेंगे तो आपको लगेगा कि ये एपेक्स आ गया शायद, तो यू विल बी कीप डूइंग, और इससे कैनाल परफोरेट और लेज भी हो सकता है. तो सबसे पहले तो आपको स्ट्रेट लाइन एक्सेस बनाना बहुत जरूरी है. के फाइल विद नंबर 8 एंड 10 एंड 15 एंड 20, अप टिल 20 प्रिपरेशन इज कंपल्सरी वाइल डूइंग प्रोटेपर इंस्ट्रूमेंटेशन. अगर आप, हालांकि आप दूसरे इंस्ट्रूमेंट भी यूज कर सकते हैं, जैसे पाथ फाइल्स होते हैं डेंटस्प्लाई के, वो अगर आप यूज करें तो उस पाथ फाइल्स रोटरी एंडो से भी आपको जो स्ट्रेट लाइन एक्सेस आपको मिल जाती है, उसके बाद आप कोई भी सिस्टम यूज कर सकते हो. तो देयर आर वेरियस सिस्टम्स. अब ये जो प्रोटेपर फाइल्स है ना, ये हीट ट्रीटेड नहीं होती है. अब हीट ट्रीटेड नहीं होती है तो इसमें मैं आपको इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, तो जैसे कि हमने इसको बेंड किया तो ये वापस अपने शेप में आ गया, ठीक है. लेकिन जो हीट ट्रीटेड फाइल्स होती हैं उसको हम बोलते हैं गोल्ड फाइल, सिंगल हीट ट्रीटेड. तो प्रोटेपर गोल्ड भी आता है, लेकिन वो सिर्फ रोटरी में आता है, हैंड में नहीं आता. तो गोल्ड में क्या होता है, दीज फाइल्स ऑफ लाइक दिस रिटेन द शेप व्हाट लाइक. सो अगर सिंगल हीट ट्रीटेड है तो बहुत ज्यादा कटिंग एफिशिएंसी होती है फाइल की. और उसके बाद आते हैं ब्लू फाइल्स. अगर हम उसको डबल हीट ट्रीटेड करें, मतलब हम नहीं करें, कंपनी वाले अगर उसको डबल हीट ट्रीट करते हैं, तो दोज बिकम ब्लू फाइल्स. तो वो उनका क्या होता है कि फ्रैक्चर रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है, और कटिंग एफिशिएंसी नॉट एज गोल्ड, लेकिन कटिंग एफिशिएंसी ज्यादा होता है. तो मैं तो ब्लू फाइल्स यूज करता हूं एक कंपनी की जो मेरे पास है. और जो थर्ड आ गया है वो ग्रे फाइल्स है, जो ट्रिपल हीट ट्रीटेड होती है, एंड दे आर एक्सट्रीमली लाइक फ्लेक्सिबल, एंड अगर आप इसको फाइल को ऐसे टिप को बेंड कर देते तो वो बेंड ही रह जाएगा. ब्लू फाइल में भी वैसे बेंड रहता है, सो दैट्स व्हाई दे हैव द लीस्ट फ्रैक्चर रेजिस्टेंस, एंड लेकिन वो कटिंग एफिशिएंसी उन फाइल्स की बहुत कम है. तो ये बेसिकली तीन टाइप ऑफ फाइल्स हैं. तो अब भी हम अपने जो मेन टॉपिक पे आते हैं, तो अगर आपको ये हीट ट्रीटेड के बारे में आपको जानना है तो एक और मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए. और अब देखिए, आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक फाइल है. तो देखिए, मेरे पास एक गोल्ड फाइल है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं. तो देखिए, ये थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल है. मैंने जैसे उसको मोड़ा, ये भी उसके साथ ये इट्स गेटिंग लाइक कर्व्ड, राइट?
तो ये भी कर्व जा रही है, इट्स नॉट रिटेनिंग इट्स ओरिजिनल शेप एज इन प्रो टेपर, राइट। अब इन सब फाइल्स को ब्रेक करने का जो थिंग है कि हम कैसे इसको प्रिवेंट करें ब्रेकेज कर, तो इसको ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। तो सपोज ये टूथ है, तो जब भी हम आरसीटी कर रहे हैं ना, तो उस टाइम पे ना आप जो अब प्रोटेपर यूज कर रहे हैं, जो फाइल्स को जब एंट्री करेंगे आप कैनाल के अंदर, उसके पहले दांत के बाहर ट्राई टू ब्रेक द फाइल। आप बोले कि दांत के बाहर ट्राई टू ब्रेक द फाइल क्यों? देखिए, अगर आप एक फाइल को 50 कैनाल में यूज कर रहे हैं तो वो गलत है ना। तो सबसे पहले आपको ये मेंटेन करना है कि आपको क्लिनिक में एक फाइल को ज्यादा यूज नहीं करना है, आपको कम यूज करना है। आफ्टर 3-4 पेशेंट यू हैव टू डिस्कार्ड द फाइल, वो पहला रूल है। तो सबसे पहले आप, अगर कैसे आपको पता चलेगा कि फाइल खराब हो चुकी है, तो सबसे पहले आपको टूथ लेना होगा। टूथ के बाद आई थिंक आई एम डूइंग जस्टिस, आप इसको ट्राई टू ब्रेक इट लाइक होल्ड इट लाइक दिस एंड इसको आपको ऐसे करके जो टिप है उसको टूथ के अगेंस्ट में टक टक करना है, मतलब ऐसे करके उसको यू हैव टू ट्राई टू ब्रेक इट। और एक एंगल में नहीं, डिफरेंट एंगल में आपने ऐसे घुमाया तो फाइल ब्रेक नहीं हुई। तो आप ये मत सोचिए कि फाइल बिल्कुल ओके है, तो आप एक और एंगल में 90 डिग्री घुमाइए, फिर उसको ब्रेक करने की कोशिश करिए, ठीक है। इस टाइप का आपको करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आपको दिख रहा होगा, ट्राई टू ब्रेक इट, ओके। अगर ये फाइल ब्रेक नहीं हो रही है, मतलब फाइल इज ओके एंड देन यू कैन यूज इट। After every usage, you have to irrigate the canal. नहीं तो dentinal जितने भी blockade होके आपके file को engage करके उसको break कर सकते हैं, या फिर ज्यादा pressure आप ना लगाएं कभी भी। तो try to break the file outside the canal, right? Willingly. अगर file आप एक बार try करके देखें किसी भी extracted tooth में, I think it will be very helpful to you. तो देखना, कभी कभी ना मैं बहुत बार बचा हूं, कभी कभी जो S1 पहले मैं जब protaper use करता था तो काफी बार मेरा एक दो बार S1 और F1 फाइल ब्रेकेज हुआ, तब मैंने ये टेक्निक अप्लाई किया बाय फ्रॉम वन ऑफ माय सीनियर्स, ही टोल्ड मी कि यू ट्राई टू ब्रेक द फाइल आफ्टर एवरी यूज। तो मैं एक बार यूज करने के बाद, दो बार यूज करने के बाद आई ट्राई टू ब्रेक इट आउटसाइड द टूथ, इट्स बेटर, राइट। टूथ के अंदर ब्रेक होने से अच्छा है कि टूथ के बाहर टूट जाए, राइट। तो एक बार फाइल आप जैसे उसको ट्राई टू ब्रेक करेंगे टूथ के बाहर से, तो अगर वो टूट गया तो उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, एंड इफ इट इज ओके देन यू कैन यूज इट, बट यू हैव टू डू इट आफ्टर एवरी सिंगल यूज। सो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, मानता हूं, लेकिन बेटर जब तक आप 500-600 हैंड आरसीटीज ना करें, नेवर स्विच ऑन टू योर रोटरी फाइल सिस्टम्स, बिकॉज हैंड में जो डेक्सटरिटी आती है और जो फील आता है वो आपको रोटरी से उतना नहीं मिलेगा। तो आज का वीडियो का टॉपिक यही था, आई होप कि आपको समझ में आया हो, और मैं क्या बोलना चाहता हूँ ये भी आपको समझ में आया हो। तो इफ यू वांट आई कैन गिव यू सम डेमो ऑन अ पेशेंट इफ इट इज पॉसिबल फॉर मी, बिकॉज वी हैव टू गेट द कंसेंट ऑफ द पेशेंट एज वेल, जो कि बहुत जरूरी है। तो टिल देन हैव अ वेरी गुड डे एंड आई ट्राई टू मेक एज मच वीडियोज, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज, ताकि थोड़ा बहुत आपको जानकारी मिले जो कि बाकी जगह में नहीं मिलती है। टिल देन हैव अ वेरी गुड डे।